ये सबको संदीप सर कल की क्लास नहीं मिल रही है, मिस हो गई है। हाँ कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई है संदीप जी, आप अभी जो है प्रयास करें कि लाइव में ही सारा कुछ सीख लें। तो आज की क्लास अपलोड कर दे रहे हैं लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है ऐप्स में, तो एक दो दिन में ऐप्स हमारा दूसरा बन रहा है उस पर सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। एक दो दिन की प्रॉब्लम है, ऐप्स नया बन रहा है, उस ऐप्स के थ्रू जो है सारी क्लासें मिल जाएंगी और उसमें काफ़ी अन्य फीचर भी मिलेंगे। ठीक है संदीप कुमार सर, अगर इंटरव्यू में पूछे कि आपको ये जॉब क्यों दें, हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब अभी देंगे जब आप विभाग के बारे में भी पढ़ लेंगे। अभी हम जो है डिपार्टमेंट के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम बताएंगे, ताकि जो आयोग की क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो तो आपने किया ही। आपको ये बताते समय आपको ये भी बताना है कि जो जॉब प्रोफाइल है वो हमसे मैच करती है, यानी आप ये काम जानते हैं और इस तरह के काम करने में आपकी आपको अच्छा लगता है, तो इसका क्वेश्चन हम प्रॉपरली कराएंगे। एक दिन का टॉपिक केवल इसी विषय पे होगा, एक दिन का टॉपिक केवल इसी विषय पे होगा। मेघना करें अभी ठीक नहीं हुई तबीयत, अच्छा ठीक है आप आराम कर लें। हर्ष, अच्छा अच्छा ठीक है हर्ष जी, ठीक है संदीप जी, एक दिन का टॉपिक जो है, एक क्लास आपकी इसी टॉपिक पे होगी, ताकि हम उसमें अच्छे से ज़्यादा चीज़ें बता पाएँ। और अभी नॉर्मली के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन इसलिए होगा क्योंकि जो आयोग ने क्राइटेरिया रखा है, जो उनकी डिमांड थी, जो स्टेप वाइज स्टेप उन्होंने प्रोसीजर दिए थे, वो आप क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस जॉब को करने के लिए आप फिट हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी थी वो आप पूरी कर रहे हैं और जो इसकी जॉब प्रोफाइल है, जो वर्क है, वो आपको पसंद है इस तरह का काम। इसका मतलब आपके जॉब के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बता पाएंगे जो ये काम है ये करने में हमें अच्छा लगेगा, इस तरह के काम मुझे पसंद है। ठीक है मैं आगे चलता हूँ, तो कल की क्लास में बताएं, किसी को कोई दिक्कत, कल तक का सब कुछ क्लियर है? कपिल चौधरी गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग, बताएं कल तक में कोई प्रॉब्लम किसी को, क्लियर है? अच्छा ठीक है सबको, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है अमन जी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बीच में बफरिंग हो रही क्या, कि कोई किसी का नाम बीच बीच में जैसे आ जा रहा है, वॉइस की वीडियो, अच्छा तो ऐसा तो नहीं ये रिकॉर्डिंग में भी वो शो करेगा? आप लोग अपनी वॉइस बंद कर लें और वीडियो, ठीक है ये इस तरह से आप वीडियो ऑन ना करें, अपनी वीडियो आप ना ऑन करें, आप हमारी देखें। कपिल जी वॉइस बंद, हाँ कपिल जी अगर आप वॉइस ओपन किए तो बंद कर लें, आपकी आवाज़ हम तक वैसे भी नहीं आएगी, आपके हम कमेंट देख पाएंगे, आपको कमेंट से ही जवाब देंगे। ठीक है तो उससे बीच में मैसेज आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। नेहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने मैथ के बारे में पढ़ा था, जो आपके इंटरव्यू में मैथ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कुछ पूछे गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और थोड़े से पॉइंट रह गए हैं उसके विषय में आज चर्चा करनी है। अमित वाइस, वाइस आप लोग बंद कर लें भाई, सब लोग, लोगों को डिस्टर्ब होगा, वाइस सारे लोग अपनी बंद कर लें, केवल हमारी सुने, बाकी जो आपके मैसेज हैं वो कमेंट में दें, कमेंट से ही हम आपको जवाब दे देंगे। तो सब लोग एक बार बता दें कि अभी तैयारी सबकी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत किसी को कहीं? राजू यादव, अमित जी, ठीक है भाई मैंने बोल दिया, अमित जी आप वॉइस बंद कर लीजिए। यस सर, ओके, सब लोग मन से लगे रहिए कहीं से, परफेक्ट, ओके ओके, सबकी अच्छे से चलनी चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी निगेटिव पॉइंट नहीं आपके मन में आना चाहिए,
ठीक है, आप एकदम करीब हैं सिलेक्शन के, बस जैसे ही इंटरव्यू होगा कुछ ही दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिसंबर तक में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, अमित जी ने कहा कर दी, ठीक है। वॉइस कोई नहीं ऑन करेगा अपनी, ठीक है, उससे डिस्टर्ब होगा। तो मैथ के बारे में जो कुछ हम पढ़ चुके हैं आप उसको कंप्लीटली तैयार कर लें, उतना ही मैथ आपको पढ़ना है। आगे थोड़ी सी और जानकारी आज मैं आपको बताऊं तो एक शब्द आता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इससे जो एक क्वेश्चन वो पूछा गया है वो क्या है, श्रीधराचार्य, नाम आपने सुना होगा श्रीधराचार्य का सूत्र, तो ये पूछा गया है एक इंटरव्यू में, श्रीधराचार्य का सूत्र पूछा गया है। श्रीधराचार्य का सूत्र सबको पता होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं इसके बारे में, थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है। पहली बात तो द्विघात जो समीकरण है इसका मतलब क्या हुआ, दो घात वाला समीकरण, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें घात अधिकतम कितनी हो, दो घात, वो द्विघात का होगा। कोई तीन घात का कहेगा तो उस समीकरण में जो घात होगी अधिकतम जितनी होगी उतने घात का वो इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां पर दो घात के बारे में हाई स्कूल लेवल पे पढ़ना है। क्या कह रहे हैं सोनू जी, कह रहे हैं कि सर साधारण बजाय के फार्मूला बता देना सर। हाँ मैं फार्मूला बता रहा हूं, द्विघात समीकरण आप समझ लें कि क्या होता है, जिसकी घात दो मैक्सिमम हो, जैसे हमने यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये एक इक्वेशन है और ये कितने घात का है, दो घात का, यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है यहां दिख रही वो दो, दो घात का समीकरण होगा। इसी में अगर हम यहां पर ऐड कर देते एक्स क्यूब भी और पूरा ये समीकरण अगर बनता तो ये जो है तीन घात का समीकरण कहलाता, और इसकी मैक्सिमम पावर क्योंकि तीन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, द्विघात समीकरण आपका। अगला, दूसरा ये आपको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण से ही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे श्रीधराचार्य जी ने जो नियम दिया है, जो सूत्र दिया है, वो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए है। मतलब जैसे हम यहां पर कोई चीज लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा कोई समीकरण है तो x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको यहां पुट करने पर यह समीकरण जीरो हो जाए, तो उसको हम कहते हैं रूट या मूल, उसको हम क्या कहते हैं रूट या मूल। और किसी समीकरण के कितने मूल होंगे वो इसकी मैक्सिमम घात पे डिपेंड करेगा, किसी समीकरण के कितने मूल होंगे वो इसकी घात पे डिपेंड करेगा। अगर दो घात का समीकरण है तो उसके मूल यानी रूट भी दो होंगे, तीन घात का समीकरण होगा तो उसके मूल और रूट भी तीन होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां द्विघात की बात करेंगे और दो घात हाई स्कूल के सिलेबस में है तो उसमें आपके दो रूट आएंगे यानी दो मूल आएंगे। ठीक है, एक मूल को हम अल्फा कहेंगे, दूसरे मूल को हम बीटा कहेंगे हाई स्कूल के सिलेबस के अनुसार। हाँ ठीक है, ठीक है अंकुर शुक्ला जी, इतनी बात क्लियर हो गई कि जितनी घात होगी उसके उतने रूट होंगे, उतने मूल होंगे। ये बात क्लियर हो गई, बताएं ये बात आपकी क्लियर हुई। इरेजर की साइज छोटी हो गई है, ठीक है। हाँ ओके, अब हम बात करेंगे क्या एक ये जो इन्होंने सूत्र दिया है वो श्रीधराचार्य जी ने दिया, उसको नॉर्मली पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर कुछ सूत्र फार्मूले पूछ लेते हैं, आपको पता है कि नहीं, इसका मतलब कुछ आपको जानकारी वहां से अभी है कि नहीं, या आपने थोड़ा सा पढ़ रखा है पिछली बारे में, पिछली क्लासों के बारे में कि नहीं, तो ये सीधे फार्मूले ही पूछते, इससे सवाल नहीं बनना है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस केवल फार्मूले और बेसिक चीजें आएंगी। तो इनका जो कहना है वो जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा और बीटा दो मूल हैं, उसे निकालने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ये इन्होंने फार्मूला दिया है।
रूट निकालने के लिए अल्फा बीटा निकालने के लिए माइनस बी अल्फा को लेंगे, तो एक बार यहां प्लस लिया एक बार माइनस लिया, तो अल्फा के लिए एक बार आप प्लस ले लेंगे और बीटा के लिए यहां एक बार माइनस ले लेंगे। तो अगर श्रीधराचार्य का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप दोनों चीजें एक साथ बताएंगे, ऐसा नहीं कि अल्फा वाले का अलग बीटा वाले का अलग। तो फार्मूला में आप बताएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू। अब ये ए बी सी आपको दिख रहा है वो क्या है, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं जानते उन्हें मैं बताऊं। जो समीकरण बनता है वो इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। और जो एक्स का गुणांक है, जो एक्स का गुणांक है वो बी, और जो बिना एक्स के हैं वो सी। तो इस तरह से यहां पर देखना है आपको बी ए सी कहां से मिलेगा, तो बी मिलेगा एक्स के गुणांक से, ए कहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक से, और सी के कहां से मिलेगा बिना एक्स वाले पद के जो शेष बचे होंगे। क्लियर है कि ए बी सी आप जान जाएंगे। अब ये फार्मूला आपको एकदम रट लेना है कि अगर श्रीधराचार्य का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ये माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए होता है, जिसमें आप थोड़ा सा जोड़ देंगे जो बी ए सी है, मतलब ए बी सी है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी गुणांक है, बी जो है वो एक्स का गुणांक है, और सी जो है वो अचर पद, सी जो है वो अचर पद है। ठीक है, इतनी चीजें आपको साथ में जोड़नी है। यदि आपसे केवल ये सूत्र पूछा जाएगा तो ये चीज आपको ऐड कर देनी है। बताइए इतनी चीजें क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया आपको कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। जी सर, ओके। आगे देखना है आपको, श्रीधराचार्य का सूत्र हो गया, ये पूछा भी गया है। थोड़ी सी बात और आती है मूल के बारे में, अगर हम पढ़ें मूल यानी रूट के बारे में अगर आप पढ़ें, तो मूल जो अभी हमने बताया अल्फा और बीटा, इनकी प्रकृति कैसी होगी, तो उसको जानने के लिए हम एक डी फार्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं, या इसको हिंदी में हम विव्यक्तिकर कहते हैं, विव्यक्तिकर इसको डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए डी से डिनोट करते हैं। और ये जो डी है बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, मतलब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये क्या है, विव्यक्तिकर है। अब हम इस मूल की प्रकृति इसी के अनुसार निकालेंगे कि जो मूल होंगे, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, क्या दिक्कत है, आप देख ले वीडियो की क्वालिटी आपने कितनी की हुई है। आप मोबाइल में अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, वीडियो सही है, ठीक है ठीक है, तो ठीक है भाई, जिसकी क्लियर नहीं आ रही वो अपने फोन से थोड़ा सा क्वालिटी उसकी और ज्यादा कर ले, बाकी सभी लोगों को ये ठीक आ रही है। ठीक है, तो आपका विव्यक्तिकर हो गया कितना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसकी प्रकृति के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, जितना हम बता रहे हैं इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस थोड़ी सी जानकारी रखना है। कोई ये ना सोचे कि हमने मैथ कभी नहीं पढ़ा, या हम मैथ भूल गए, या छह साल से हमने उठाई नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने बता दिया ए बी सी क्या है आप उसको बता लेंगे, ये किसका गुणांक है ए बी सी, और फिर ये जो डी है ये बताता है इस मूल की प्रकृति को, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है क्या है, ये बताएगा कि मूल किस प्रकार के होंगे। तो आप देखो, अगर डी बराबर होगा जीरो के, अगर डी बराबर होगा जीरो के, अगर डी बड़ा होगा जीरो से, और अगर डी छोटा होगा जीरो से, तो ये तीन ही चीजें आपको देखनी है। इसको तीन चीजों को आप देखें कि अगर डी बराबर, इसका मतलब डी के मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जहां हमने डी लिखा है ये सभी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के, जहां हम डी लिख रहे हैं वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इन डी की वैल्यू कहां से निकलेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो जो मूल होंगे, यानी जो
एक्स की वैल्यू है जिसको पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, उसके लिए जो मूल होंगे वो रियल होंगे। रियल का मतलब आप कह सकते हैं वास्तविक, वास्तविक जो मूल है वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर। आपको बताया कि द्विघात समीकरण है तो मूल भी दो होंगे और दोनों मूल यहां पे क्या होंगे, बराबर। वास्तविक का मतलब क्या हुआ, वास्तविक अवास्तविक दो तरह की संख्याएं होती हैं। आपको मैं बताऊं, रियल और वास्तविक और अवास्तविक, तो अवास्तविक और वास्तविक, तो आप समझो कि जिन संख्याओं को हम रूट के अंदर लिखें और माइनस में वो शो हो रही हो वो अवास्तविक होगी, यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके, ये माइनस अगर अंदर आ गया तो कभी ये खत्म नहीं हो पाएगा, ऐसी सभी संख्याएं अवास्तविक होंगी, शेष जितनी होंगी वास्तविक होंगी। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको अलग कर दो, आप अवास्तविक जान जाओ कि आप माइनस में, यहां पे हमने चार लिख दिया, चार का वर्गमूल तो दो बाहर आ जाएगा, लेकिन जो माइनस एक बच गया वो कभी फिनिश नहीं हो पाएगा। अगर ये रूट के अंदर माइनस आ गया तो अवास्तविक होगी, इसके अतिरिक्त सारी संख्याएं वास्तविक होंगी, कुछ भी होंगी। तो ये एक आपको मिलेगा वास्तविक और बराबर, कब, जब डी आपका जीरो होगा। बताइए क्लियर हो गया, डी आपका जीरो होगा तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। आपसे श्रीधराचार्य का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप एबीसी को वहां पे डिस्क्राइब कर देंगे, हो सकता है कि उसी समय पूछ लें कि इसके मूल के बारे में आपको अगर जानकारी है, कभी ये भी पूछ ले जाता कि क्या इसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप हाँ कह देंगे और इन सब चीजों को बता सकते हैं, फिर वहां पर वो पूछ सकते हैं। अगर ये बड़ा होता है डी तो यहां पर जो मूल है वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान यानी अनइक्वल होंगे, यहां पे इक्वल होगा यहां पे अनइक्वल होंगे, वास्तविक यहां भी होगा। अगर d आपका छोटा हो जाता है जीरो से, जो विभक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा हो जाता है तो यहां पर रियल नंबर नहीं आएगा, मतलब अवास्तविक संख्याएं होंगी, ऐसा कह दे अवास्तविक संख्याएं मिलेंगी। अवास्तविक हमने बता दिया आपको क्या होंगी, जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, यानी अंदर माइनस में लगा होगी, कोई भी संख्या जो अंदर माइनस हो और उसके बाहर रूट लगा हो वो अवास्तविक होंगी, ठीक है। इस तरह से इतना क्लियर हो गया, बोलिए एक बार यस, तो आगे हम बढ़े, इतना आपका क्लियर हो गया, सारे लोग बताएं इसमें कोई दिक्कत, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके अमन जी, अंकुर शुक्ला यस, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया रूट और श्रीधराचार्य का सूत्र हो गया। अब ये एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का, वो आपको ध्यान देना है क्या, एक सवाल हमने ये लिख रखा है, ऐसे सवाल अगर आपसे फार्मूले पूछे गए तो आप उसका उत्तर तुरंत दे लेंगे, हो सकता है कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव, जो आपके मन में कैलकुलेशन हो सके, जिसका कैलकुलेशन एकदम इजीली हो सके, जो आप मन में करके बता पाएं, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने यहां रखा है, क्योंकि यहां आपका विभाग ही इस तरह का है शराब से जुड़ा हुआ, तो शराब में एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 है, शराब में एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 है, यदि बोतल में 50 लीटर शराब हो तो एल्कोहल की मात्रा आपको बतानी है, बताइए 30, वेरी गुड। अगर ऐसे ही सवाल आएंगे तो आप मुझवानी ही आंसर देंगे और इससे कठिन बनेगा नहीं, यदि क्वेश्चन पूछा गया तो, जो हमने एक कल बता दिया था एक दो सवाल और आज जो बता रहे हैं, यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से, क्योंकि जो बोतल होती है शराब की उसमें एल्कोहल और पानी का मिक्सचर होता है, तो उसके रेशियो को अगर वो देते हैं तो आप उनकी मात्रा बता पाएं, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूं जिनको नहीं आता या जो लोग इस पे मैथ से नहीं जुड़े हैं उनको कैसे अगर ये पूछा जाए तो सवाल लगाने हैं, आप समझना, यहां पे दे रहा है कि एल्कोहल और पानी, दो लोगों की बात कर रहा है, जिसमें एल्कोहल यहां दिखा रहा है 2 भाग और ये दिखा रहा है पानी 3 भाग, 2 भाग और
तीन भाग। तो आपको देखना है कि अल्कोहल जो है वो दो भाग है, पानी जो है वो तीन भाग है। ये भाग है किसी का हिस्सा, जैसे दो भाई हैं तो हम कहें आधा आधा ले लो, या उन्होंने कहा कि तुम दो ले लो मैं तीन ले लूं, इसका मतलब वो दो भाग लेगा तो ये तीन भाग लेगा, या आधा कहें या ऐसा समझें एक भाग और दो भाग। यदि ये एक रुपये लेगा तो ये दो लेगा, यदि ये दो ले लेगा तो ये चार लेगा, इसका ये दुगना है। अगर ये दस ले रहा होगा तो ये बीस ले लेगा, ठीक है। तो ये रेशियो दिखाएगा, जिस अनुपात में ये होगा उसी अनुपात में ये होगा, मतलब ये दो भाग लेगा तो ये तीन भाग। अब देखिए ये कह रहा है कि जो मिक्सचर है वो पूरा कितना है, 50 लीटर का। कितना है? 50 लीटर का। मोजवानी कैसे करेंगे? दो भाग ये, तीन भाग ये, और दो तीन भाग पूरा मिला दें तो कितना भाग हो गया? पांच भाग। देखें ये पांच भाग हो गया, दो और तीन, एल्कोहल और पानी दोनों मिलाने पर पांच भाग बन गया। और बोतल में 50 लीटर शराब है, और जो शराब है वो कैसी है? उसमें एल्कोहल भी है पानी भी है। मतलब ये पांच जो भाग है आपका, वो भाग, ये जो पांच भाग है ये 50 लीटर के बराबर है। किसके बराबर है? ये 50 लीटर के, मतलब पांच भाग 50 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां ये दो भाग है, तो दो भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक भाग निकाल लें। कोई चीज कम निकाली जाती है, जैसे 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपए, तो 1 किलो चीनी का दाम 10 रुपए होगा, कैसे आएगा? तो आप क्या करेंगे, कम के लिए हमेशा भाग किया जाता है, इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर। एक भाग दिखा रहा है 10 लीटर को, दोस्त यहां पे दो भाग ये एल्कोहल है। एक अगर एक किलो 10 किलो के एक चीज कोई एक रुपए में, या हम कहें 10 किलो मिलती है तो दो रुपए में 20 मिलेगी, तो एक की वैल्यू 10 होगी तो दो की वैल्यू 20 हो जाएगी, और इस तीन की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो यहां पर पूछा गया एल्कोहल की मात्रा, यहां पे पूछा गया है एल्कोहल की मात्रा, तो एल्कोहल की मात्रा यहां दो भाग है और पानी की मात्रा यहां पर तीन भाग है। तो 50 लीटर में आपसे एल्कोहल की मात्रा पूछी गई, एल्कोहल की मात्रा कम होगी। जिनके आंसर 30 आ रहे हैं वो गलत हैं, जिनके आंसर 20 हैं वो सही हैं। कोई 30-20 तो ठीक है, 30-20 कर रहे हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि कौन 30 होगा कौन 20 होगा। अब आपको बताते हैं कि इसको आप मन में कैसे सॉल्व करेंगे। देखें आपको मन में कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को, आप मन में कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या देखना है कि आपको वो देंगे कि पूरी बोतल जो है वो कितने लीटर की है, कितने एमएल की है, जो भी देंगे एक उसका आयतन दे देंगे कि इतने लीटर का है। अब ये कि इन दोनों का जो अनुपात है, या तो वो अनुपात में देंगे और या तो वो परसेंटेज में देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो परसेंटेज में दे दें, तो ये हमने एक सवाल परसेंटेज में लिख रखा है, आपसे वो सवाल परसेंटेज में पूछ सकते हैं या फिर आपका अनुपात में। तो आपको देख लेना है कि ये दो और तीन भाग में बांटना है, मतलब इसको दो और तीन भाग में बांटना है। तो यहां से आप कुल ही ले लेना कि दो और तीन दोनों मिलके तो पांच भाग हो रहे हैं, और ये पांच भाग 50 है, यानी पांच अगर किसी को 50 बता रहा है तो एक बताएगा 10 को, दो बताएगा किसको? 20 को, तीन बताएगा 30 को। क्लियर है? जैसे एक सवाल मैं और ले लूं, एल्कोहल, एक सवाल मैं और ले रहा हूं, इसका आंसर जल्दी से बताएं। एल्कोहल और पानी, यहाँ पे जो इनका रेशियो है 1:4 है, एल्कोहल और पानी का रेशियो 1:4 है, और जो टोटल शराब है वो 60 लीटर है, 60 लीटर है। जल्दी से एल्कोहल और पानी की मात्रा बताएं। आपको बता दिया मोजवानी कैसे करना है। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, बताएं भाई, कोई दिक्कत है किसी को? स्क्रीन साफ आ रही है कि नहीं? स्क्रीन साफ आ रही है कि नहीं? एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, बस ऐसे सिंपल, इससे कठिन सवाल नहीं अगर पूछे गए तो। जनरली सवाल नहीं, फार्मूले ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल शराब से संबंधित, एल्कोहल और पानी के मिक्सचर से संबंधित पूछे जा सकते हैं। एक बार बता दे, स्क्रीन आपको सबको दिख रही है साफ? कुछ लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा। रचना पाल नहीं दिख रही है। जीत भाई जरा देखिए स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही इनको। अच्छा ये वाला कलर, ये तो दिख रहा होगा। अच्छा ये लोग नीचे वाला जो कलर है ये नहीं दिख रहा आपको?
आपको ये ऊपर वाला सवाल दिख रहा है? अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको पढ़ देता हूं, इसका कलर कुछ इस तरह से है, तो नहीं दिख रहा है, मैं इसको पढ़ रहा हूं। देखिए ये जो हमने सवाल बोल दिया ये आप, हाँ 12 और 48 सारे आंसर सही हैं। एल्कोहल और पानी यहाँ पर दिख रहा है 1:4 में है और 60 लीटर आपका टोटल मिश्रण है। हाँ ठीक है, तो ये वाला नहीं दिख रहा है, ये कलर यूज नहीं होगा दोबारा अभी ये, ठीक है थोड़ा सा जूम करने पे और फट जा रहा होगा। देखें मैं उसको बोल दे रहा हूँ, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बताया इसको आप मन में सोचेंगे, 1 भाग और 4 भाग कितने हो गए, 5 भाग। तो 5 भाग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 60 लीटर को, 5 कुल भाग हो गया। कुल का मतलब पानी और एल्कोहल दोनों हो गए, और दोनों को मिलाने से शराब बन गई, और शराब है कितने लीटर, 60। तो 1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 1 भाग ही यहाँ पे 12 है, 1 भाग ही यहाँ पे 12 है, तो एल्कोहल हो गया 12 और पानी 4 भाग है, तो 1 अगर 4 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 48 के। तो 12 और 48 इनका है वो सही आंसर है। तेज बहादुर कह रहे मेरा चैट नहीं हो रहा है क्या सर, आ रहा है आपका मैसेज आ रहा है। देखिए ये जो एक क्वेश्चन मैंने परसेंटेज पे लिख रखा है ये सुन ले, पानी और एल्कोहल के मिश्रण में, ध्यान से सुने, पानी और एल्कोहल के मिश्रण में एल्कोहल 40%, यदि एल्कोहल 40% है, यदि पानी की मात्रा 30 लीटर हो, पानी की मात्रा 30 लीटर हो तो एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा 30 लीटर हो तो एल्कोहल की मात्रा क्या होगी। सेम सवाल वहां पर रेशियो दिया था, यहां परसेंटेज दे दिया, तो एल्कोहल को आपको समझ लेना है कि 40% अगर दिया तो पानी जो होगा आपको खुद से समझना है कि वो 60% होगा। पानी क्या होगा, 60% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 100% हैं, तो एक कोई जितना होगा उसमें जो बच गया 100 में वो दूसरा हो जाएगा। तो 40 और 60 को अगर आप रेशियो में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ये आ जाएगा 20 दुना 40 20 दिया 60। तो वो सेम सवाल उसी तरह हमने लिया था, ये 2:3 में बन जाएगा, और अनुपात को अभी हमने जैसा बताया वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से कुल जो आपका बन जाएगा, टोटल जो भाग बन जाएगा वो आपका 5 भाग बन जाएगा, और यहां 5 भाग है, तो ये बता रहे हैं पानी की मात्रा, तो 5 भाग से नहीं। अभी आप देख लो, पहला जो है वो यहां कह रहा है कि पानी और एल्कोहल के मिश्रण में एल्कोहल 40% है, तो एल्कोहल आपकी 40% हो गई, पानी कितना हो गया 60%, और यहां कह रहा है पानी की मात्रा 30 लीटर है, तो यहां पर जो पानी का भाग है 60 वाला वो 3 भाग दिखा रहा है। देखिए अब टोटल नहीं दिखा रहा है, यहां जो है वो पानी को बता रहा है, और पानी है कितना, यहां पे पानी 3 भाग है, तो आप इस 5 से तुलना नहीं करोगे, 5 तो टोटल होता, यहां पर पानी बता रहा है वो पानी 3 भाग है, और 3 कितना है 30 के बराबर। देखिए पानी की मात्रा जो है वो 30 लीटर है, एल्कोहल की मात्रा क्या होगी, तो पानी की मात्रा यहां देखिए आप 3 भाग दिखा रहा है, तो पानी की मात्रा आपसे पूछ रहा है 3 अगर 30 के बराबर है तो ये 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा 10 के, 1 जो होगा वो 10 के बराबर होगा, 1 जो होगा वो 10 के बराबर होगा, और 2 भाग जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा, 2 भाग आपका 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 सारे लोगों के आंसर सही है, बस इतने क्वेश्चन, अब ये मैथ से और क्वेश्चन नहीं आने हैं। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चन जो आप मुझवानी बता सकते हैं, जिनके आंसर आप बैठ करके वहां दे सकते हैं, बिना पेन चलाए दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे एक पॉइंट और आपको पढ़ना है, जिससे काफी संभावना है कि सवाल पूछ लिए जाए। तो एक और मैं बात क्लियर करूं आप लोगों की, जो क्लास 8 बजे से थोड़ा लेट हो जाता था वो कल से लेट नहीं होगा, आपको 8 बजे राइट टाइम क्लास मिल जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये क्लास 8 से स्टार्ट हो जाए या आप लोग थोड़ा पहले आ जाएं 7:55 से, तो हम यहाँ अगर क्लास 7:55 से शुरू कर देते हैं या 8 बजे राइट टाइम शुरू करते हैं तो आपकी क्लास 8:55 तक हम छोड़ेंगे, मतलब 9 बजे से 2 मिनट पहले ही छोड़ देंगे, 2-3 मिनट पहले, लेकिन कल से क्लास 8 बजे राइट टाइम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब एक सवाल और बनता है जिससे संभावना है, काफ़ी संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, आपने देखा होगा कि YouTube पर या जो Facebook पे व्यूज आते हैं वो K में लिखा होता है या मिलियन में लिखा होता है,
के में लिखा होता है या मिलियन में लिखा होता है, इनसे सवाल कैसे बनेंगे? अब ये जो व्यूज हैं, जो के दर्शा रहा है वो दर्शाता है किसको? के 1000 यानी 1000 को दर्शाता है। के का मतलब क्या है यहां पे? 1000 है। और मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख। जैसे किसी के व्यूवर अगर 1M दिखा रहा है, 1 मिलियन दिखा रहा है, तो इसका मतलब उसके व्यूज कितने हो गए? 10 लाख। अगर वो के में दिखा रहा है, 1K है, 2K है, तो वो उतने हजार को दिखाएगा। तो आपसे इस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल जो नॉर्मली व्यूज आ रहे हैं या हम के और एम यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? या आपके पास 1 मिलियन पैसे हैं तो आप बताओ रुपए में क्या होंगे? 1 मिलियन, तो उसको आप रुपए में बताओ तो कितना हो जाएगा 1 मिलियन? तो ये 1K जो है, वैसे बेसिकली इसको हम किलो कहते हैं, किलो के नाम से एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम के ही था, उन्हीं के नाम पर ये रख दिया गया था। उन्होंने खोज की थी 1000 की, के जो है उन्हीं के नाम से रखा गया है और वो 1000 की खोज किए थे, इसलिए ये के को रिप्रेजेंट करता है। तो के आप समझ जाएंगे, इसको आपको हमने बताया है कि पावर में अगर लिखें तो 1, 2, 3 यानी 10, 10, 10 तीन बार मिलके ये बना है, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3। और आप देखिए ये जो मिलियन है ये 10 लाख है, और 10 लाख को अगर ओपन करके लिखा जाए तो 10 लाख में यहाँ पर कितने जीरो होंगे? 3, 3, 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। अब ऐसे आप 10 लाख लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों बात एक है। सर मेरे पर रिकॉर्डेड वीडियो कल की नहीं आई है, तेज बहादुर। कल की वीडियो मिल जाएगी आपको, अभी 2 दिन बाद एक ऐप्स नया आएगा, उस ऐप्स पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इस ऐप पे थोड़ी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से कल नहीं हो पाया, तो 2 दिन में जो भी क्लास आपकी छूटी रहेगी वो मिल जाएगी। सर जो क्लास ऑफलाइन हो रही है उसका भी रिकॉर्ड करके हम लोगों को भी दिखा सकते हैं क्या? ठीक है, प्रयास करेंगे, रिकॉर्डिंग होगी तो वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इस ऐप पे नहीं होगा, हो पाएगा, वो दूसरा ऐप बन जाएगा तभी वो अपलोड हो पाएगा। और आप लोग घर पे ये प्रैक्टिस जरूर करें, आपके घर में 2 लोग 3 लोग जो भी हो, तो आप एक तरफ बैठ जाएं और लोगों को एक तरफ बैठाएं, और जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि इंटरव्यूअर पूछेंगे, आप उनको एक लिस्ट में लिख करके दे दें कि आप ये हमसे पूछिए और आप उसका जवाब दीजिए, तो देखिए आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये काम कल आप करेंगे, आज एक बार कम से कम ये करेंगे, घर में ही या यार दोस्त में ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 लोग 3 लोग बैठ करके एक तरफ एक व्यक्ति का लेंगे, अगर कुछ लोग साथ में रह रहे हों, यार दोस्त हों, चाहे इसकी तैयारी कर रहे हों या नहीं, तो उनसे आप लिस्ट पकड़ा दीजिए कि ये क्वेश्चन आप हमसे पूछो और आप उसका जवाब दीजिए, देखिए कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, किस प्रकार आप उसको जवाब में दे पा रहे हैं, ये आप करिए अपने से। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे 1 मिलियन की, तो 1 मिलियन और फिर आता है शब्द बिलियन, और 1 ट्रिलियन। तो ये नॉर्मली आम में यूज हो रहा है, आम भाषा में यूज हो रहा है, तो इसके बारे में आप पूरा जानेंगे और बिलियन को भी जान ले, तो 1 बिलियन होता है ये जो हमने पावर में लिख दिया 10 की पावर 9, तो यहां पर आप 9 जीरो लगा लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर ट्रिलियन की बात आएगी तो इसमें 12 जीरो होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसको पावर में याद रखेंगे बहुत आसान होगा। के का मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ एम का मतलब 6 आ जाएगा, बिलियन का मतलब 9 आएगा और ट्रिलियन का मतलब आपका 12। 3, 6, 9, 12, तो 3 के पहाड़े में आपका आ जा रहा है, 3 के टेबल में आ जा रहा है। ये सबको याद हो जाएगा। अगर आपसे मिलियन के बारे में पूछ लिया गया तो आप बता देंगे कि 1 मिलियन अगर आपके पास है इसका मतलब आपके पास 10 लाख रुपए हैं। आपके पास 1 बिलियन पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि आपके पास यहाँ पर इसको रुपए में इसको कन्वर्ट कर लें, किसी को करोड़ में या लाख में अगर बताना हो तो आपको पता है करोड़ में कितने जीरो? 7 होते हैं। अगर इसको करोड़ में लिखना हो तो 9 को देखिए, टोटल ये 9 है,
सात को हमने अलग कर दिया, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये जो सात हैं ये करोड़ों को दिखाएंगे, ये सात किसको दर्शाएंगे, करोड़ों को। अब ये जो सौ बच गया तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, एक बिलियन को आप सौ करोड़ भी कह सकते हैं, एक बिलियन का मतलब आप सौ करोड़ भी कह सकते हैं, और एक ट्रिलियन को अगर करोड़ में लिखना है तो यहां बारह जीरो हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये सात जीरो आप छोड़ करके लिख देंगे इतना, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इतने करोड़ आप इसको बताएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी कि एक ट्रिलियन के बारे में पूछा जाए तो एक लाख करोड़ होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए कि मिलियन और बिलियन या ट्रिलियन या के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बता लेंगे। वहां पे कह दिया गया 2.5K, बताइए 2.5K का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे ये हजार में है तो ये ढाई हजार होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे चला जाए, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें किसी को दिक्कत कोई, एक बार यस कर दें अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं तो। ठीक है, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो मैंने आपको इंट्रो में बताया है, पहली क्लास में इंट्रोडक्शन में, उस चीज के बारे में आप अपनी कॉपी में डायरी में लिख लें कि क्या क्या चीजें हमें बतानी है। ठीक है, इंट्रो में क्या क्या बताना है आपको, वो सारी चीजें लिखें, और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो लोग जहां के रहने वाले हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में लिख लें, कम से कम चार से पांच पॉइंट लिख लें इंट्रो के बाद, जो इंट्रो में सारी चीजें हमने बताई वो बताने के बाद आप जब बताएंगे कि आप यहां के निवासी हैं तो उस जिले से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप हर डिस्ट्रिक्ट जहां के आप रहने वाले हैं, पांच ऐसे पॉइंट जो फेमस हों, जिनका आप वहां चर्चा कर सके, जिनको आप बता सके अपने जिले में, सब लोग अपनी कॉपी में लिख ले, ऐसा सब लोग करेंगे, अपने अपने जिलों के बारे में लिख करके हमें व्हाट्सअप करेंगे, आपके यहाँ क्या फेमस है, क्या चर्चित है। कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप अपने जिले के डीएम के नाम, वहां पे जो सांसद विधायक आपके क्षेत्र में होंगे उनके नाम, इतना आप याद रखेंगे। सोनू कह रहे हैं कि सर यूनिट तो नहीं पूछता है इंटरव्यू में, यूनिट नहीं, ये जो के एम है जनरली यूज में है, जो चीजें नॉर्मल यूज में हैं आप रोज देख रहे हैं उनसे क्वेश्चन बराबर हो सकते हैं, कि आप जो चीजें रोज यूज कर रहे हैं क्या उसके बारे में पता है कि नहीं, तो जो नॉर्मल यूज में है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पहला काम इंट्रो जो है वो कॉपी में लिख लें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, जैसा हमने बताया अभी, आप दो चार लोगों के साथ उस तरह का पूरी प्रक्रिया करें जैसा इंटरव्यू में होता है, आपको वहां चीजें खुद ही पता चल जाएंगी, कुछ कमियां पता चलेंगी, बाकी लाइव मॉक टेस्ट होगा तो आपको हम तो कराएंगे ही। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप पांच पॉइंट लिख लें, जिसमें से दो तीन पॉइंट जो अच्छे हों वो आपको क्लियरली याद हों, वो आप बताने के लिए तैयार कर लें, पांच और छह पॉइंट आप लिखेंगे जिसमें से तीन आप तैयार कर लेंगे ढंग से। दूसरा, मैंने बताया आपको क्या, जो आपकी स्ट्रेंथ है ये हम बता चुके हैं और आपकी वीकनेस बता चुके हैं, ये तीन पॉइंट और ये तीन पॉइंट, स्ट्रेंथ और वीकनेस, तीन तीन पॉइंट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, साथ में एग्जांपल उसका। जो भी अमन कुमार सर या बता दो कि मंत्रियों में क्या श्री लगाएं या माननी, नहीं श्री नहीं, अगर मंत्रियों के नाम आप बताते हैं तो माननी ही लगाएंगे, श्री नहीं माननी लगाएंगे। ठीक है, मंत्री जो हैं वो काफ़ी ऊंचे पद में हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी ऊपर हैं, तो आप माननी शब्द का उपयोग करेंगे। अमित कह रहे हैं कि सर अपने पापा के नाम के पहले श्री लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, और लगाएंगे ही, आप पिताजी के नाम के आगे श्री लगाएंगे, उनका नाम आप सम्मान पूर्वक लेंगे, बिल्कुल लगाएंगे।
देखिए हमने क्या बताया आपको, इंट्रो हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लिखें जिनका इंटरव्यू अच्छा चला जाए। आप सोच रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा हो, जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं क्लियरली आप करें। स्ट्रेंथ हो गई आपकी वीकनेस, इसमें तीन पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। वो हमने बता दिया था कि आप खुद से चूज कर लें कि किसके एग्जाम्पल आपको आसानी से मिल जाएंगे, किसके एग्जाम्पल आप पर सूट कर रहे हैं, किसके एग्जाम्पल आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो तीन पॉइंट आपकी कापी में लिखे होने चाहिए। जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सबके दो पेज में लिख करके आप हमें व्हाट्सअप करें, आज पता चले कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो रही है, तैयारी किस लेवल पर है। इसके अतिरिक्त ये जो सारी चीजें हो गई हैं, एक जो मेन पॉइंट है आपका हॉबीज का, वो हॉबीज जो है आप किसी किसी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी हॉबी ही नहीं क्लियर है, तो वो अपनी हॉबी पहले क्लियर कर लें कि हमें क्या हॉबी में रखना है। और हॉबी में यानी रुचि में जो भी चीज आप लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आप रख रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो आपकी हॉबी यानी पसंद है, तो जिसको आप पसंद करेंगे उसके बारे में आप अच्छा जानते होंगे, तो उस पॉइंट को आप लिखें और हॉबी के बारे में अच्छे से लिखें। इसके बारे में कौन कह रहे हैं भाई, अमित यादव, अच्छा मैं देख लूँगा, आपको रिप्लाई कर दूँगा। हॉबी आप एक अपनी चूज कर लें, क्या हॉबी रखनी है, या आप पहले से हॉबी है तो ठीक है, नहीं तो जो चीज़ें आप ज़्यादा पसंद करते हो, जिसमें आप समय ज़्यादा व्यतीत करते हो, उस चीज़ को आप हॉबी बना सकते हैं। इतनी चीज़ों पे आप नोट्स बनाएंगे और वो आप हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पर, फिर अगर कोई कमी होती है कहीं पर तो हम उसको देख करके आपको बताएंगे कि इसमें सुधार कर लिया जाए। बताइए इतनी चीज़ें आप कल कर लेंगे। अब एक चीज़ मैं और क्लियर करूं कि अब जो है मैं आपको विभाग के बारे में बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन कई लोग मैसेज कर रहे हैं जो कि इस जॉब में आप कैसे परफेक्ट हैं, या आप इस जॉब के लिए कैसे एलिजिबल हैं, इस जॉब के लिए जो आपकी जॉब है इसमें कैसे परफेक्ट हैं, आपको क्यों लिया जाए, आपका चयन हम इसमें करें तो आप में क्या अलग है लोगों से। तो इसके सवाल के लिए आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे आपका जो विभाग है उसके बारे में, चाहे आप शुक्ला जी से पढ़ेंगे, इंस्पेक्टर जो हैं उनसे एक दो दिन में ही क्लास हम करवाएंगे अगर टाइम मिल पाता है तो, और अगर कुछ छूट जाएगा तो वो हम भी कंप्लीट कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपको हम वो देंगे, उसके बाद ये पॉइंट हम कवर करेंगे, ताकि आप ये बता पाएं कि जो विभाग ने, जो आयोग ने क्राइटेरिया रखा है, एलिजिबिलिटी रखी है, वो तो हमने पूरा ही किया है, साथ साथ जो जॉब प्रोफाइल है यानी जॉब में जो हमें ये वर्क करना है इसके बारे में हमें जानकारी है, और ये काम में मैं रुचि लेता हूँ, इन कामों को मैं मन से करता हूँ, ये काम हमें अच्छे लगते हैं, तो आप पहले से ही इसे बताएंगे। UP SSC के बारे में बताएं सर। देखिए सबसे पहले तो UP SSC का आप फुल फॉर्म पता कर लें, 10th 12th क्या लिखे हैं, रचनापाल, सर 10th प्लस 12th 8 सिक्स, तो क्या करें नहीं समझ में आ रहा है। रचना जी क्या पूछना चाह रही हैं आप? देखिए आयोग के बारे में संदीप जी, आप इसका फुल फॉर्म, इसके चेयरमैन और थोड़ी सी इसकी चाहे तो स्थापना वगैरह भी देख लें, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कभी कभी इतना ही होता है कि इसके फुल फॉर्म और चेयरमैन या पूर्व चेयरमैन दो लोगों के बारे में आप जान लें। जनरली इससे क्वेश्चन ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन आप उस जा रहे हैं उस आयोग के थ्रू, तो आप थोड़ी सी जानकारी रख लें, इसका हिंदी में क्या नाम है, इंग्लिश में क्या पूरा नाम है, इसके चेयरमैन। रचना जी क्या कर रही हैं आप? ठीक, तो आपकी जो मैथ की क्लास है इतने में, जो कल हमने कराया, जो आज हमने कराया, इसके अतिरिक्त आपको मैथ से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर अब हम आगे जो बता रहे हैं कि विभाग के बारे में पढ़ लेंगे, तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि हम इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं, या हम क्यों चयन करें आपका, आप कैसे इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं,
तो ये सारी चीज़ें जब जॉब प्रोफाइल के बारे में आप पढ़ लेंगे तो उसमें से कुछ पॉइंट अपने लिए चूज करेंगे कि इस पॉइंट में आपको अच्छी जानकारी है और यहाँ पर इसका ज़्यादा उपयोग है जॉब में और ये हमें अच्छे से आता है, इसलिए ये जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूँ, परफेक्ट हूँ। रचना एक बार फिर टाइप करें। हाँ, रचना का क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रही हैं? दोबारा आप मैसेज करें, क्या टाइप कर रही हैं? नेहा सर, आप भी इलाहाबाद के हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पॉइंट दीजिए। अच्छा, देखिए जो लोग इलाहाबाद के हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि इलाहाबाद से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगर कोई इलाहाबाद का है तो चूंकि इलाहाबाद काफ़ी फेमस है, काफ़ी चीज़ों में ये अपनी जगह बना के रखा है, इसलिए इलाहाबाद, और जो लोग लखनऊ के हैं ये लोग बहुत अच्छा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से ये इनको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे, उसके आंसर आप दे सकते हैं। इलाहाबाद के बारे में अर्चना, क्या नेहा जी इलाहाबाद के बारे में क्या बता दें आपको कुछ पॉइंट्स मिर्ज़ापुर के लिए? सर पहले तो आपको हमने कहा कि अपने ज़िले के बारे में 5-6 पॉइंट आप खुद से लिखेंगे, फिर अगर कहीं से वो पॉइंट अच्छे हैं तो ठीक है, किसी में कोई कमी लगे कि नहीं ये पॉइंट बताने लायक नहीं है, ये पॉइंट आप वहाँ डिस्क्राइब नहीं करने लायक हैं, तो हम आपको बताएंगे कि इस पॉइंट की जगह इस पॉइंट को रख लें, ठीक है। तो अपने अपने ज़िले के बारे में पहले तो 5-6 पॉइंट आप लिख लें खुद से, क्या चीज़ें वहाँ फेमस हैं, और आपको लगे कि जैसे किसी के ज़िले में कुछ भी फेमस नहीं है तो आप अपने ज़िले के कम से कम DM का नाम और सांसद का, अपने क्षेत्र का विधायक का नाम ये ज़रूर आप याद रखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि आपके विधायक कौन हैं, और कुछ वो पार्टी से भी पूछ सकते हैं कि किस पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है। तो एक दिन हम पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, अगर आपसे इनकी चर्चा की जाएगी कि सांसद और विधायक के नाम बताएं तो ये पूछ लिया जाता है कि ये किस पार्टी से हैं, ठीक है। कपिल जी कह रहे हैं कि अलीगढ़ के बारे में, ठीक है, आप पहले आज खुद से लिख लेंगे अपने अपने ज़िले के बारे में और हमें व्हाट्सअप कर देंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा अगर कोई उसमें चेंजेस करने हैं तो। सर अंधेरा हो गया है, वीडियो तो सही आ रही दोस्त। संदीप जी बताएं क्या वीडियो क्लियर आ रही है सबको? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? देखिए नेहा जी का एक सवाल था इलाहाबाद के बारे में बताने के लिए, तो इलाहाबाद के बारे में नेहा जी आप क्या क्या बता सकती हैं? एक तो आप हाई कोर्ट बता सकती हैं, दूसरा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लेस इंदिरा भवन है उसके बारे में बता सकती हैं आप, तो कम से कम 5-6 पॉइंट आप लिखें जो यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर, हाँ, प्रसिद्ध व्यक्तियों, संस्थाओं, इमारतों, हाँ यही बता रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर हाईकोर्ट के बारे में, डिग्री कॉलेज के बारे में यानी यूनिवर्सिटी के बारे में, और इंदिरा भवन आपका फेमस है, स्वराज भवन, ये सारे जो भी हैं। मंजय कुमार यादव, प्रयागराज से ज़्यादा फेमस वाराणसी है, ठीक है, वो अगर आप ज़्यादा फेमस प्रयागराज से वाराणसी है वो मैटर नहीं करता, आप अगर बनारस के हैं तो बनारस के बारे में अच्छी डिटेल रखें, ऐसा नहीं कि प्रयागराज वाले से बनारस के बारे में, अगर बनारस की कोई ऐसी चीज़ है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन ये जनरली क्या होगा कि जहाँ के आप रहने वाले हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखें, जहां के आप रहने वाले हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखें। संगम, हाँ बिल्कुल, संगम, संगम भी आएगा, यूनिवर्सिटी भी आएंगी, यूनिवर्सिटी के बारे में ये तो आप नेहा जी नेट पे सर्च मार लें, यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आप नेट से सर्च करके डिटेल आप ले सकते हैं, अगर ना मिले तो आप बताइए हम आपको दे देंगे। अब अपने अपने ज़िले में जो भी, जैसे कानपुर का कोई है तो कानपुर की यूनिवर्सिटी है तो उसके बारे में
जैसे ये किसी के नाम पे पड़ा है तो वो कौन है, बीएचयू है बनारस की, तो बीएचयू किसके नाम पे है, कौन संस्थापक थे उसके, या कब हुआ था स्थापना उसकी, तो ये कुछ डिटेल बेसिक्स ही आप उसके बारे में रखेंगे। अमित कह रहे सर मेरे क्वेश्चन का जवाब अंकुर शुक्ला, मैं आबकारी पुलिस 16 का इंटरव्यू रचनापाल सर हाई स्कूल इंटर बायो से किया था। अच्छा बायो से किए थे, क्या पूछ सकते हैं? हाई स्कूल इंटर आपका बायो से था, अब आप चाहो तो इंटर अगर बताना है, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, हाँ आज़ाद पार्क भी बता सकते हैं, बिल्कुल उसके बारे में भी बता सकते हैं, वो भी अच्छा पॉइंट है। इलाहाबाद में आपका बायो है रचना जी, तो बायो से जो आपने पढ़ रखा है, बायो के अगर आप ये बताएंगे कि इंटरमीडिएट मैंने बायो से किया, तो वो बायो से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने बता दिया कि मेरा इंटरमीडिएट इस सन में हुआ है, अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप परसेंटेज को डिस्क्राइब कर लें। नेहा जी बाकी मैं खुद तैयार कर लूँगी, ठीक है नेहा जी, जिन पॉइंट पे आपको पॉइंट चाहिए आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, उन पॉइंट पे आपको हम डिटेल में भेज देंगे। जो पॉइंट आपको ना मिल पाए या जो आपके तैयार ना हो पाए आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, उन पॉइंट को मैं आपको कंप्लीटली उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। आप हमें एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा पॉइंट कलेक्ट करके कॉपी में, जिन पॉइंट पे आपको जानकारी ना मिल पा रही हो या जो चाहिए। बीए हिंदी से किया रीता पटेल, बीए हिंदी संस्कृत से, ठीक है। अगर आप बीए बताते हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन है बीए है, तो आप बताएंगे कि इस सब्जेक्ट से किए हैं, या तो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, आपको लग रहा है कि ये हमने कर तो लिया लेकिन आपके बारे में जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो आप केवल इतना बता देंगे कि मैंने ग्रेजुएशन इस यूनिवर्सिटी से इस साल किया था, फिर सब्जेक्ट की बात आप खुद से नहीं करेंगे। और जिनके सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हैं, मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, तो वो बताएंगे कि ग्रेजुएशन हमने इस सब्जेक्ट से किया है, इस ईयर इस यूनिवर्सिटी से किया है, सब्जेक्ट जोड़ देंगे। जैसे ही आप सब्जेक्ट जोड़ेंगे आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही होने लगेंगे, ठीक है। रीता पाल सर बताएं संस्कृत के क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? बेसिकली संस्कृत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर संस्कृत से वो पूछते हैं तो बेसिक चीज़ें संस्कृत आपने पढ़ रखी है। अब चूंकि हम तो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं ना, संस्कृत से अगर क्वेश्चन आएगा तो बेसिक क्वेश्चन संस्कृत में, अगर आपने संस्कृत ली है तो सबसे पहला कि संस्कृत लेने का क्या आपका उद्देश्य था। भाई संस्कृत आपने लिया, संस्कृत अगर आपने लिया है तो संस्कृत के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत आपने पढ़ा या लिया चूज किया तो किस वजह से, और आपने पढ़ा तो इससे क्या उसका बेनिफिट है, आगे उसका आप उपयोग कैसे करेंगे। कम से कम ये 2-3 पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या सोच के इसको लिया, आगे उसका आपके जीवन में क्या रोल है, क्या उपयोग है, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मेघना ज्योग्राफी के बारे में क्या पूछ सकते हैं सर? ये जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं इन पे मैं पीडीएफ तैयार करा रहा हूँ, तो जिनके ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सारे क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा। तो वो चूंकि हर स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना या सारे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना यहाँ नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर हम एक सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं वो 2 स्टूडेंट हैं तो बाकी लोगों के लिए वो अनयूजफुल होगा। जो सब्जेक्ट मेन है उनकी मैं पीडीएफ बनवाऊंगा और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको उसमें मैं दे दूंगा। क्या सर्वेश कह रहे हैं कि इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य? बिल्कुल, आपका डीवी भी उसी समय होता है इसलिए डॉक्यूमेंट आप ले ही जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, तो वो एक साथ ही प्रक्रिया होती है। सोनू कह रहे हैं पीसीएम से क्या पूछ सकते हैं? आपका अगर पीसीएम से ग्रेजुएशन होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में साइंस से जनरली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। सर इकोनॉमिक्स नया करें कि मैं सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मुझे सोशल साइंस के बारे में तैयारी कराएं। अच्छा ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट हैं आपके मैं उन सब्जेक्ट पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उससे पूछे जा सकते हैं, जो आपका विषय है यानी आपके विषय को देखते हुए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर कॉमर्स का पीडीएफ मिल जाएगा तब भी काम चल जाएगा। अच्छा ठीक है अंकुर जी,
कामर से भी देखेंगे राज डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाएं। आपके पास जो भी डिग्री डिप्लोमा है भाई डॉक्यूमेंट वही ले जाएंगे, आप दूसरे का नहीं ले जाएंगे ना। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है आप फाइल में सभी अटैच करेंगे। सोनू कुमार सर मैकेनिकल से बीटेक उससे क्या पूछ सकते हैं? तो अगर आप मैकेनिकल से हैं तो सबसे पहली बात तो आपकी यही आएगी कि आप बीटेक के हो करके आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, या जो आपने वहाँ नॉलेज ली हुई है क्या आपको यहाँ पे कंफर्ट फील होगा, जो आपने वहाँ पे एजुकेशन ली हुई है उसका क्या यहाँ उपयोग कर पाएंगे। इन पॉइंटों पे आप नोट्स बना लें कि आप फील्ड उस मैकेनिकल की है और आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो क्या आप यहाँ पर परफेक्ट रहेंगे, क्या आप अपने आप को सुटेबल यहाँ पर उसके लिए मान पाएंगे, जो यहाँ जॉब है उसकी प्रोफाइल आपकी मैच करेगी। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? ट्रिपल सी का डॉक्यूमेंट, ट्रिपल सी आप ले जाएं या नहीं ले जाएं उससे आपका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो कल आप जो हमने होमवर्क बताया है आप उतना ज़रूर करके आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हॉबी के बारे में, जो कुछ भी हमने डिस्क्राइब किया अभी उतना आप नोट्स तैयार करें। जिनको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता आप व्हाट्सअप कर दें, मैं उस पॉइंट को अभी तक जो कंप्लीट किया है, अभी जब जो पॉइंट कंप्लीट हुए उसमें कोई दिक्कत है तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही दे दूंगा या उसकी पीडीएफ पे उसको हम इंक्लूड कर लेंगे जो पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर। ओके उसको हम बनवा ले रहे हैं, उससे क्या होगा क्लास वो बता रहा था थोड़ी सी कुछ खास।